जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन टिकट कैंसिल पर कितने दिन के बाद हमें रिफ़ंड मिलता है, और IRCTC ई कैटरिंग पर अगर ऑनलाइन आपने खाना ऑर्डर किया है फिर आपने उसको कैंसिल किया है तो उसका पेमेंट हमें कितने दिन बाद मिलता है। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन में टिकट कटवाते हैं और टिकट कैंसिल करवाने जाते हैं ऑफलाइन, तो उसका टिकट का कैंसिलेशन हमें चार्ज कब कितना मतलब कब मिलता है, ये तीनों चीज़ के बारे में आज आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार भरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि PRC यानी इंडियन रेलवे का जो ऑफलाइन काउंटर होता है रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पे आप टिकट लेते हो फिर उसको वहीं पे कैंसिल करवाना होता है। आप चाहे कहीं पे भी टिकट ले लो, PRS काउंटर पे कहीं पे भी आप उसे कैंसिल करवा सकते हो। तो उसका कैंसिलेशन का मतलब आप कैंसिल करवाओगे आपको तुरंत ही रिफंड मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन टिकट का जो हमें रिफंड कब मिलता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट करवाते हो, ऑनलाइन टिकट करवाने के बाद उसे कैंसिल करते हो यानी रद्द करते हो, तो उसे हमें रिफंड पाने के लिए 7 दिन का समय लगता है यानी 1 वीक का समय लगता है। अब बात कर लेते हैं कि आप IRCTC ई कैटरिंग से खाना बुक किए हो, उसके बाद आपको खाना नहीं चाहिए, फिर आपने उसे कैंसिल कर दिया, फिर आपका वो रिफंड कब मिलेगा। तो हम बताना चाहते हैं उसका भी रिफंड आपको 1 वीक लगेगा, यानी सब टोटल PRS काउंटर के टिकट को छोड़ के दोस्तों बाकी सारे का ऑनलाइन रिफंड आपको मतलब 1 वीक के अंदर यानी 1 सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही जानकारी थी, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।